ऊपर देख, ऊपर में नीचे देख। हाँ बनाओ ना सब। ये देखिए लाठी चाल चल रही है यहाँ पे, ये लाठी चाल कर रहे हैं, ये जबरदस्ती कर रही है। देखो लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं पुलिस, यहाँ कोई महिला पुलिस नहीं है और लड़कियों के साथ जबरदस्ती हो रही है यहाँ पे। वीडियो बना लड़की का कैसे लगा रही है, लड़कियों के साथ कैसे बदतमीजी कर रही है ये। कैसे पैरों से खींच रहे हैं, देखो ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर के साथ क्या किया जा रहा है देखें। ये देखो डॉक्टर है, ये डॉक्टर के साथ पुलिस का जबरदस्ती कर रही है, हाथ पैर खींचे जा रहे हैं, जबरदस्ती की जा रही है, जबरदस्ती उठाए जा रहे हैं, देखो जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ज्यादा से सारे ग्रुप प्रेशर तो लेके सब में बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है।
मैं थोड़ी देर में कोई नहीं। इस बस में सारी लड़कियां हैं और यहाँ लेडी कॉन्स्टेबल नहीं है। जुर्माना पकड़ रखा घबराइए ना। और तीन चार लोग कर जा अरे इतने कुछ केडी साइड की राजा कठे जाऊंगे बाद में निकाल लो मेरे में चार्ज बुला लेंगे चल क्यों नहीं रही है आगे मेरे फोन में मोहित अलग ही स्वाद आने लगा यार। यार ये किसका फोन मेरे बैग के अंदर है देख लिया अरे वो इतने कुछ केडी साइड की राजा कठे जाऊंगे मेरे में वैसे 10% चार्ज है कोई ना निकाल लो यार फोन है मेरे फोन में चार्ज अंदर ही बाद में निकाल लो मेरे में चार्ज कर बुला लेंगे चल क्यों नहीं रही है आगे मेरे फोन में मोहित अलग ही स्वाद आने लग रहा है यार ये किसका फोन मेरे बैग के अंदर है देख लिया वीडियो
और सब शांत रहो यार, सब लोग बुरा नहीं है, सारा बैच कटक सब है। हमें मुस्लिम है बुरा नहीं है, मेरा सवाल है ना पकड़ रखा घबराइए ना। और तीन चार लोग कॉमेडी वेडिंग इसके अंदर आई है, स्पेशल बताया था हमने। बेटे दो बस आया पान दे, दो बस हमें चलना है। अगर यह छोटी बस अच्छे जलवाड़ों के लिए अलग पे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैडम थोड़ी थोड़ी बना के थोड़ी थोड़ी
मनन मनन ये देख ये लगा ये लगा मनन खड़ा होके बना चुप बस मनन भाई जे ओए साथ में रहना साथ में जाओ वीडियो बनाओ साथ में महिला पुलिस का है देखिए यहाँ पे कोई महिला पुलिस नहीं है और सबको ऐसे उठा उठा के लिए काफी देर हो गया आपको
में आप जो अश्योरेंस भी दे रहे थे कि आप लोगों को मीटिंग करनी है वो भी हम करवाने को तैयार थे, लेकिन आप लोग अडामेंट हैं कि हम यहीं से बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं। आप लोगों को पहले भी बता दिए ये ट्रेसपासिंग है, प्लीज उठ जाओ, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे हो। आप मजबूर कर रहे हो कि हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लें। चेन बना लो, चेन बना लो, चेन बना लिया भाई, क्यों खींच रहा है वीडियो वीडियो क्या कर रहे थे थोड़ा छोड़ना है थोड़ा छोड़ना है भाई, पानी से नहीं डरना है यार, देखो धुआं से होना चाहिए, ठंडे में आएंगे चिल करेंगे, छोड़ सकते हैं थोड़ा सा सही बात है यार, ना लेंगे सब नहीं, हाँ ठंडा पानी नहीं निकल गई वैसे तो लाभी नहीं काफी दिन से भाई, कुछ नहीं दो हमें तो शैम्पू भी दो, हम लड़कों को कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई सीरियस हो जाओ, हो सकती है कार्रवाई, तुम सब जब ऐसे करे वाटर कैनन चलाए समझ में तो मेरे को भी कुछ नहीं आया, बस चुप बोलो, रोने लग जाओ, स्माइलिंग फेस है बिल्कुल, जिम्मेदारी सारी पिछा लगी नहीं चलवाएंगे, उठा के लेके जाएंगे, आज पकड़ लो सारे, कोई नहीं उठाएगा, चेन बना लो, चेन मैरी फ्री, चेन मैरी फ्री, चेन मैरी फ्री वाले चेन बनाओ, मैरी फ्री वाले हाँ जोड़ ले, आप लोगों को बार बार सूचित किया जा चुका है कि राहुल डॉक्टर साहब यहीं पे हैं, अरे भाई हो गया बैठो रे, भागना नहीं है, वीडियो वीडियो बना लो, लड़की आके जाओ
कैसे हो? पीजीआई रोहतक एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बिहाफ पर हम आज 10 बच्चे सीएम सर से मिलने जा रहे हैं और हम शांतिपूर्वक जाएंगे और पुलिस प्रशासन को ये आश्वासन देते हैं कि हम ये काम बिल्कुल शांतिपूर्वक करेंगे और हम अनुरोध करते हैं कि हमें सेफ्टी और रिस्पेक्टेड वे में लेकर जाया जाए और लेकर आया जाए। धन्यवाद। पोर्टल पास कर दो भाई, पोर्टल पास कर दो कस्टडी में है। हम अपनी हमने यहाँ इसको एक और किया हुआ है, सिक्योरिटी हैजर्ड है ये जो आप यहाँ कर रहे हैं। तो आपसे हमारा अनुरोध है आप जल्दी से जल्दी इस जगह को खाली कर दें। अगर आपको कोई गलत गुमराह कर रहा है तो उसकी बातों में ना आए। अपने करियर, जो आपका करियर है उसके बारे में आप कंसंट्रेट करें। आप जिम्मेवार हैं, पढ़ने लिखने वाले सभी मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो इसकी गरिमा को बनाए रखें। आपसे हमारी बार बार मैंने आपको समझा भी था और दोबारा मैं आपसे भी आगाह कर रहा हूँ कि आप कानून को माने, कानून में आप अपनी लेके अपना जो आपका प्रोटेस्ट है उसको जारी रखें। हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन एक डेकोरम और एक लिमिट के अंदर रखें। तो मैं आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि 5-7 मिनट में आप समझदारी का परिचय दें और जो आप एक अच्छे सोसाइटी के आप बड़े सिलेक्टेड डायरेक्टर हैं तो उसकी आप उसका प्रमाण दें, उसका प्रूफ। तो मेरी आपसे ये विनती है और अनुरोध है कि आप अभी हो सकता है कुछ हमारे जो बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट हैं, उनमें इतनी मेच्योरिटी नहीं हो, अपने कई बातें वो ना समझ पा रहे हों, तो मैं आपको पुनः इस चीज़ के लिए आगाह कर रहा हूँ कि ये कानून के विरुद्ध है, ये अगेंस्ट लॉ है करके आपको यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, आप ये जो यहाँ बैठे हैं ये कानून के विरुद्ध है। ठीक है, आप अपने लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं, तो हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि आप जहाँ बैठे थे वहाँ चले जाएं। और ये गलत है, कल प्रोग्राम है कन्वोकेशन का और यहाँ जेड प्लस कैटेगरी है, जो हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर ऑनरेबल सीएम हरियाणा आ रहे हैं, तो ये आप जो कर रहे हैं ये कानून के विरुद्ध है। आप सभी जिम्मेवार स्टूडेंट हैं, इस पर आपको हम आगाह आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ से उठ के चले जाएं। इसमें आपकी भलाई है और कानून को आप हाथ में ना लें, कानून को माने और जो बाइलाज है उनका पालन करें। हमारी आपसे ये बार बार मैं पहले भी समझा के कहा था, आपके जो कुछ आपके लीडर साथी जो आए थे उनको बताया था कि भाई आप अपना जो डेकोरम है जो लिमिट्स है उनको क्रॉस ना करें। ठीक है, हम नहीं चाहते कि कोई भी डॉक्टरों के खिलाफ कोई भी कानून के विरुद्ध जाने पर कोई कार्रवाई हो। आपको चेतावनी दे रहे हैं, आप इसको खाली कर दें नहीं तो हम फोर्स सप्लाई करके आपको यहाँ से उठाएंगे। आप ये जो यहाँ बैठे हैं ये कानून के विरुद्ध है। ठीक है, आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं, तो हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि आप जहाँ बैठे थे वहाँ चले जाएं। और ये गलत है, कल प्रोग्राम है कन्वोकेशन का और यहाँ
यहाँ जेड प्लस कैटेगरी है, जो हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर ऑनरेबल सीएम हरियाणा आ रहे, तो ये आप जो कर रहे हैं ये कानून के विरुद्ध है। आप सभी जिम्मेवार स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको हम आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ से उठ के चले जाएं, ठीक है। इसमें आपकी भलाई है और कानून को आप हाथ में ना लें, कानून को माने और जो बाइलाज है उनका पालन करें। हमारी आपसे ये बार बार मैं पहले भी समझा के कहा था, आपके जो कुछ आपके लीडर साथी जो आए थे उनको बताया था कि भाई आप अपना जो डेकोरम है, जो लिमिट्स है उनको क्रॉस ना करें, ठीक है। हम नहीं चाहते कि कोई भी डॉक्टरों के खिलाफ कोई भी कानून के विरुद्ध जाने पर कोई कार्रवाई हो। हमारा आपसे पुनः अनुरोध है, आप इस जगह को तुरंत खाली करें, क्योंकि ये हमारे उसमें कस्टडी में है। हम अपनी हमने यहाँ इसको टेक ओवर किया हुआ है, सिक्योरिटी हैजर्ड है ये जो आप यहाँ कर रहे हैं। तो आपसे हमारा अनुरोध है, आप जल्दी से जल्दी इस जगह को खाली कर दें। अगर आपको कोई गलत गुमराह कर रहा है तो उसकी बातों में ना आए, अपने करियर जो आपका करियर है उसके बारे में आप कंसंट्रेट करें। आप जिम्मेवार हैं, पढ़ने लिखने वाले सभी मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो इसकी गरिमा को बनाए रखें। आपसे हमारी बार बार मैंने आपको आपके जो साथी लीडर थे उनको समझाया भी था, और दोबारा मैं आप सभी को आगाह कर रहा हूँ कि आप कानून को माने, कानून की प्रीत करें, आप अपनी रह के अपना जो आपका प्रोटेस्ट है उसको जारी रखें। हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है अपनी बातें रखने का, लेकिन एक डेकोरम और एक लिमिट के अंदर रह के आप अपना काम। तो मैं आपसे मैं उम्मीद करूँगा कि 5-7 मिनट में आप समझदारी का परिचय दें, और जो आप एक अच्छे सोसाइटी के आप बड़े सिलेक्टेड डायरेक्टर हैं, तो उसकी आप उसका प्रमाण दें, उसका प्रूफ। तो मेरी आपसे क्या दोगे तुम, ये तुम मुंह मानो पुलिस, अरे साथी ज्यादा थोड़ा हो, कितने हो? 500 ये कोई बात नहीं, 500 ही बहुत है। अच्छा ये बात तो ये है ना, अगर कोई बात अरे कोई बात अगर आज हमारे पे लड़ लग जाएंगे कल को फिर लड़ ना लगे, अगर गिरफ्तार हो गए चलो कोई बात नहीं,